झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजार में मंदी के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोमवार को लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव गिरावट दर्शाते बंद हुए। कम उपलब्धता के कारण बिनौला तेल के भाव में सुधार आया। बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में 2% की गिरावट थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल 1.5% की गिरावट देखने को मिली। सरसों पक्की घानी तेल 2605 से 2730 रुपये प्रति टन रहा, जबकि सरसों कच्ची घानी तेल के दाम 2700 से 85 से 2900 रुपये प्रति टन रहे। सूत्रों का कहना है कि सीपीओ का वायदा कारोबार बंद है और इसमें कोई नए सौदे नहीं किए जा सकते, केवल पहले के सौदों का निपटा हो सकता है। सीपीओ के पुराने सौदे के भाव लगभग पामोलिन और सोयाबीन डिगम के आसपास हैं। ऐसी स्थिति में सीपीओ के लिवाल कम है। सीपीओ के प्रसंस्करण में तो कुछ खर्च भी आएगा, जबकि अंतत उससे प्राप्त होने वाले पामोलिन तेल के बाजार में सस्ते उपलब्ध हैं, तो फिर कोई सीपीओ क्यों खरीदेगा। इसके भाव में तेजी का कोई औचित्य नहीं दिखता। संबद्ध अधिकारियों को इस बात पर ध्यान देना होगा। वायदा कारोबार में गत शुक्रवार को सीपीओ के पुराने सौदे का भाव 1175 रुपये 10 किलोग्राम था, जबकि हाजिर में इसका भाव है 1153 रुपये प्रति 10 किलो। इस भाव पर भी सीपीओ का लिवाल नहीं है। मलेशिया और शिकागो के मंदा होने से सीपीओ, पामोलिन तेल और सोयाबीन तेल के भाव में गिरावट आई, जबकि सोयाबीन दाना के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। खरीदारी कम रहने से मूंगफली तेल तिलहन के भाव में भी गिरावट आई। सूत्रों का कहना है कि मांग होने की वजह से पंजाब हरियाणा में सुधार के कारण केवल बिनौला तेल के भाव में सुधार आया, जबकि सामान्य कारोबार के बीच सरसों तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।